रामलीला का मंचन कल से शुरू। अखंड ज्योत राम तीर्थ मंदिर अमृतसर से लेकर आएंगे। इस बार की रामलीला बड़े धूमधाम से होगी। मनी माजरा निवासियों से विनती है कि रामलीला में पहुंचकर कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। पिछले 2 महीने से लगे हैं कलाकार रिहर्सल करने के लिए। मनी माजरा स्थित किला ग्राउंड में होने वाली 100 साल से भी आधुनिक पुरानी रामलीला का मंचन कल से शुरू हो जाएगा। दिया आजाद ड्रामेटिक क्लब के मेंबर नवदीप कौशिक ने बताया कि वह 1996 से इस क्लब के साथ जुड़ा हुआ है और नवदीप ने बताया कि इस बार हम रामलीला के लिए अखंड ज्योत राम तीर्थ मंदिर अमृतसर से लेकर आएंगे। और नवदीप ने बताया कि हमारी युवा पीढ़ी को प्रभु श्री राम की सेवा में लगना चाहिए। और क्या कुछ कहा दिया आजाद ड्रामेटिक क्लब के सदस्यों ने, देखे इस पूरी रिपोर्ट में। क्या नाम जी थोड़ा? जय श्री राम, मैं नवदीप कौशिक दी आजाद ड्रामेटिक क्लब चंडीगढ़ मनी मारा से निर्देशक नवदीप कौशिक मेरा नाम है। और हमारी रामलीला जो है ये पिछले 107 वर्षों से हो रही है। सबसे पुरानी रामलीला है चंडीगढ़ की, जिसके प्रधान हमारे माननीय श्री मदन लाल आचार्य जी हैं। हमारे क्लब में 100 से ज़्यादा जो है हमारे मेंबर्स हैं। इस बार क्या कुछ खास लेके आए दूसरी रामलीला? इस बार ऐसा है कि हम कुछ ना कुछ हर साल ही अलग लेके आते हैं, लेकिन इस बार हमारे प्रधान मदन लाल आचार्य जी ने जो ये सोचा है बिल्कुल अलग सोचा है कि इस वर्ष की रामलीला के आयोजन के लिए हम जो भव्य काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि हमारी जो अखंड ज्योत है वो वाल्मीकि धाम राम तीर्थ मंदिर अमृतसर से ले जाई जाएगी, हमारे मंच पे आएगी। और ये कार्य के लिए हमारे सदस्य सभी जो हैं वो जा रहे हैं। आज रात को निकलेंगे, प्रधान जी जैसे भी आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। और वो जो मंच है उससे जब वो आएगी हमारी ज्योत, तो हम पहले खरड़ में हमारा स्वागत किया जाएगा, ज्योत का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला प्लान है हमारा सोहाना गुरुद्वारे के पास मटोर गांव है वहाँ पे है, 6 फेस मोहाली में भी हमारा जो है वहाँ पे उनके क्लब के द्वारा हमारा वो किया जाएगा। दशहरा भी इस बार तोड़ा है, प्रधान जी तो की कहना चाहूँगा? दशहरा बिल्कुल, एक साल हमारा होता है, एक साल नेशनल एडी क्लब का होता है, इस साल हमारा दशहरा है, तो उसके लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे क्लब के सभी सदस्य कलाकार और पदाधिकारी सारे उत्साहित हैं, इस चीज़ को लेकर तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं। कल से हमारी रामलीला जो है वो शुरू होने जा रही है, 12 दिन का हमारा ये रामलीला का मंचन होता है। मनीमा निवासियों को बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रामलीला को देखने आए, धर्म के इस कार्य को अपने, जैसे कि बड़ों को तो इस चीज़ के बारे में पता ही है, अपने बच्चों को भी वो बताएं, उनको पता लगे धर्म के बारे में, बुराई पे अच्छाई की जीत के बारे में पता चले कि श्री रामचंद्र जी जो हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं उनके जो आदर्श हैं उन पर चले, उनके बच्चे भी उसी आदर्श पर चले। बस यही कहना चाहूँगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार सहित आए। आखिर दे विच नवदीप जी दसो कि थोड़े क्लब के नाल किन्ने क युवा जिहड़ी पीढ़ी है किन्ने क जुड़ी हुई है, क्योंकि तुसी तो जिहड़ा है 10-15 सालों तो काम कर रहे हो। बिल्कुल जिहड़ा मैं ज्वाइन किया सीगा इह जिहड़ा अपना क्लब ज्वाइन सन 1996 ज्वाइन किया सीगा, उदों तों लगातार असीं काम कर ही रहे। मेरे तो भी होर मेरे ब्रदर हैं, यार दोस्त हैं, जिवें भी हैं हमारे साख संबंधी हैं, हमारे उप वरिष्ठ प्रधान सुभाष मरजारा जी भी हैं, उनको भी 30-35 साल हो गए इसी क्लब में जुड़े हुए हैं वो। और नई पीढ़ी की बात करूंगा तो नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ ही रही है। इस बार भी हमारे 20 से 25 नए कलाकार आए हैं, इसमें बाल कलाकार भी जो हमारे इस क्लब के साथ जुड़े हैं। और इसका मैं श्रेय जो है वो मैं ज़्यादा देना चाहूँगा हमारे प्रधान श्री मदन लाल आचार्य जी को, जो सभी के साथ सभी को एक तरह ही सोचते हैं, चाहे वो कोई बड़ा हो सदस्य हो, उम्र भी ज़्यादा हो या हमारा सबसे छोटा कलाकार भी हो, सबको वो एक ही नज़र से देखते हैं। इसी कारण से हमारे क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सदस्य जुड़े जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।